हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपका मन किसी तरीके से विचलित रहता है या कुछ करने को मन नहीं करता, उसका क्या रीजन हो सकता है। इसको मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों तरीकों से आपको बताने की कोशिश करूंगी। दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक होता है, और चंद्रमा की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए कि वहां पे किसी तरीके का कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वहां पर किसी तरीके की टॉयलेट या कोई एक्सटेंशन या कट या कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उसे ट्रीट कीजिए, आपके मन को जरूर आराम मिलेगा। यदि इसको मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक होता है, तो जो कुंडली में 9 प्लैनेट्स होते हैं उनमें से चंद्रमा भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अगर इस प्लैनेट के ऊपर किसी तरीके का किसी और प्लैनेट की बुरी दृष्टि या 180 का नेगेटिव हिट होगा तो वो हमारे मन को जरूर विचलित करेगा। वो किस कारण विचलित हो सकता है ये अलग अलग तरीके से देखा जाता है। यदि उसके ऊपर सन का हिट होगा तो हो सकता है हम अपने फादर की किसी बात को लेके विचलित हों। यदि उसके ऊपर मून का हिट होगा तो हो सकता है हम अपने मदर की बात को लेके विचलित हों। अगर सैटर्न का हिट होगा तो हो सकता है हम वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी भी चीज को लेके विचलित हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स के हिट मून के ऊपर अलग अलग रिजल्ट देते हैं, तो इन्हें हमें ट्रीट करना पड़ता है। 180 के हिट को हमें पॉजिटिव तरीके से 120 में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसका इफेक्ट कम किया जा सके। इसके अलावा आपको दूध का डोनेशन करना चाहिए। जो मून की आइटम्स हैं उन्हें आप डोनेट कीजिए और अपनी मदर की सेवा कीजिए, जिससे आपका मून ठीक रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको इस तरीके कोई सिम्टम आ रहे हैं तो इन उपायों को कीजिए।